सबसे पहले अब स्टेम का बताने लगा हूं। स्टेम, नेचर ऑफ स्टेम, सबसे पहले उसकी नेचर, इरेक्ट है, सीधा है, मतलब प्रोस्ट्रेट है, नीचे लेटा हुआ है, ठीक क्लाइंबिंग स्टेम है, यानी बेल है, क्या है क्लाइंबिंग, ऐसे जो ऊपर चढ़े किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर जाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्लाइंबिंग स्टेम होते हैं वो ये बेलों के अंदर पाए जाते हैं, बेलों के अंदर लीफ टेंड्रिल होते हैं ना, ऐसे वो मुड़ रहे होते हैं स्टेम, उनको टेंड्रिल कहा जाता है, ऐसे ये बताना है। अच्छा, उसके बाद बस यही बताना है स्टेम में आपने, ठीक है। अगर उसकी कोई खास स्ट्रक्चर है, यानी राइजोम, स्टेम अगर अंडरग्राउंड है तो बताना है कि स्टेम राइजोम है, क्या है, राइजोम है। अगली बात, अगर बल्ब है, यानी ऐसा राइजोम जिसने अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया, उसको बल्ब कहेंगे, ठीक। ट्यूबर है, आलू की तरह है, या जो भी है वो आप बताएंगे, ये आपका स्टेम हो जाएगा। उसके बाद आपने लीव्स के बारे में बताना है, रूट स्टेम और लीव्स, ठीक है। अब लीव्स की तरफ आ जाए, लीव्स किस तरह के हैं किसी भी पौधे के, सबसे पहली बात, इंसर्शन किस तरह की है, लीव्स के अंदर क्या बताना है, इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब लीफ लगे किस तरह हुए हैं, इसको कहते हैं इंसर्शन। लीव्स एक स्टेम के ऊपर लगे किस तरह हुए, इसको क्या कहते हैं, इंसर्शन। इंसर्शन में दो चीजें आती हैं, रेमल और कालीन, ठीक है। अब व्हाट आर रेमल लीव्स, लिखें रेमल लीव्स, हाँ जी, रेमल लीव्स का कोई बंदा बताए क्या, कौन से होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एक में जो है लीव्स जो हैं वो मेन स्टेम पे होते हैं, एक में ब्रांचेस पे होते हैं। चलें अब बताएं, रेमल कौन से होंगे और कालीन कौन से होंगे। शाबाश, अगर दोनों कंडीशंस पाई जा रही है, यानी मेन स्टेम के ऊपर भी मौजूद हैं और ब्रांचेस पे भी, इस कंडीशन को हम कहेंगे द लीव्स आर रेमल एंड कालीन। बच्चों क्लियर होता जा रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा, आंसर करें फिर आगे चलते हैं। चलें, अब उसके बाद अरेंजमेंट बतानी है, अल्टरनेट है कि किस तरह के हैं। अल्टरनेट लीव्स ऐसे लीव्स होते हैं जो बदल बदल के होते हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इनको अल्टरनेट कहा जाता है। अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हों तो उनको अपोजिट कहा जाता है। वर्ड, लफ्ज़ है WHORLED, अगर गुच्छे की सूरत में है लीव्स उसको वर्ड कहा जाता है, ठीक है। वन लीफ ऑन ईच नोड, ठीक है। अच्छा, अगली बात, लीव्स के अंदर पेट्रियोल बन रही है या नहीं, ये बताना है। अगर पेट्रियोल, फूल की डंडी बन, लीव की डंडी बन रही है तो पेट्रियोलेट लीव्स हैं, अगर नहीं तो नॉन पेट्रियोलेट हैं। ऐसे लीव्स जिनकी डंडी ना हो उनको सिसाइल लीव्स कहा जाता है, लिख लें क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सिसाइल लीव्स, ठीक। अच्छा, आगे बताना है कि लीव्स जो हैं वो स्टिप्यूलेट हैं या नॉन स्टिप्यूलेट हैं, क्या,
स्टिप्यूलेट हैं या नॉन स्टिप्यूलेट हैं। अब व्हाट इज अ स्टिप्यूल लिखें, व्हाट इज स्टिप्यूल। लिखें, अ लीफी आउटग्रोथ विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ अ पेटियोल। ये एक आउटग्रोथ होती है जो पेटियोल की बेस पे पाई जाती है, इसको स्टिप्यूल कहते हैं। तो अगर स्टिप्यूल पाई जा रही है तो लीव्स होंगे स्टिप्यूलेट, अगर स्टिप्यूल नहीं पाई जा रही तो लीव्स होंगे एक्स स्टिप्यूलेट। स्टिप्यूलेट का जो एक्स है वो एक्स स्टिप्यूलेट। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, अगर लीव्स के अंदर पेटियोल की बेस पे छोटी सी आउटग्रोथ बन रही है तो उसको आप कहेंगे स्टिप्यूलेट लीव्स। अगर छोटी सी आउटग्रोथ नहीं बन रही तो उसको आप कहेंगे एक्स स्टिप्यूलेट लीव्स। एवरीथिंग क्लियर? फिर आपने ये भी बताना है कि अगर स्टिप्यूल लीफी है तो उसको फोलियेशियस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फोलियेशियस स्टिप्यूल। स्टिप्यूल की टाइप है। अगर लीफ लाइक है इसको आप कहेंगे फोलियेशियस, अगर स्पाइन की तरह है तो उसको कहेंगे स्पाइनी। क्या कहेंगे? स्पाइनी। अगर टेंड्रिल की तरह है तो लिखेंगे टेंड्रिलल। ऐसे है अगर। अगर पेटियोल की तरह है तो कहेंगे पेटियोलेट स्टिप्यूल। ये स्टिप्यूल की मैंने टाइप बताई है। इज एवरीथिंग क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर?